नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। पिछले 3 दिन से कैंडल तो आपको रेड बनते दिख रहा है, लेकिन बाजार वन साइडेड अपर ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। होता ऐसा है कि फ्राइडे और मंडे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण बढ़ते बाजार में लोग क्रैश और गिरते बाजार में एक बड़ा रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो एपिसोड में आगे बढ़े हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मकसद है इंडिया के सभी रिटेल इन्वेस्टर को गलत ट्रेड से बचाना। उसके सहयोग के लिए आप इस चैनल को, प्रीमियम टेलीग्राम को, जो भी आपके नॉन ट्रेडिंग रिलेटेड हैं उन तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि कभी मैंने पेड प्रमोशन नहीं करा। हमारे जो भी क्लाइंट्स हैं वो सभी रेफरल के थ्रू ही आए हैं, क्योंकि हमारा काम बोलता है, तो प्रमोशन करने जैसा कभी मैंने सोचा ही नहीं। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और ये काफ़ी सस्टेनेबल ब्रेकआउट दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस प्रकार के रेड कैंडल थोड़े बहुत फियरफुल तो करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे तो प्रीवियस डे के हाई, जो बॉडी का हाई था उसके ऊपर की ही क्लोजिंग है। यहाँ देखेंगे प्रीवियस डे के बॉडी के हाई के ऊपर की ही क्लोजिंग है। अब कल के पुट के ट्रेंड इस जोन के नीचे या फिर आज की जो लो रही थी इसके नीचे ही हम बड़े पुट के ट्रेंड को एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शुरू कर दिया है। आज हमने क्या देखा, एक गैप अप तो हुआ, लेकिन इस गैप अप के गिरने के बाद के पूरे कंसोलिडेट जोन में बाजार ने क्लोजिंग करी। और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हमने सभी को कहा कि ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से काफ़ी कंसोलिडेट में दिख रहा है, डीके ज़्यादा हो रहा है, पॉइंट्स कम बन रहे हैं। और यही कारण होता है कि मैं कहता हूँ कि कंपल्सन नहीं है रोज़ रोज़ आपको ट्रेड करना। जिस प्रकार से ये रिजेक्शन रहे, यहाँ देखेंगे एक रिजेक्शन ऊपर के प्राइस से देखने को मिला। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए ऐसे में इम्पोर्टेंट क्या है, इस जोन के ऊपर ही ट्रेड लेना मिनिमम, सिंपल है। और ये पूरा ही कंसोलिडेट रहा है तो हमारे लिए ये, हाँ अब आप ये समझिए कल के लिए 24,280 और ऊपर 24,350, इस जोन में कहीं भी बाजार खुले तो इस जोन में ट्रेड नहीं लेना है। ये जो पूरा जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर यहाँ कहीं खुल करके इस जोन को ब्रेक डाउन करे 24,280 तो पुट के ट्रेड में आएंगे, जहाँ पहला टारगेट 24,240 आएगा, दूसरा 24,190 आएगा और तीसरा 24,20 आएगा। ये 3 टारगेट, और हो सकता है कि 24 के नीचे भी चला जाए, लेकिन कब, जब इस जोन के नीचे खुले या यहाँ कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक डाउन करे। और रिवर्सल के लिए जो हमारा मतलब सी वाले रिवर्सल जोन होंगे, पहला 24,370-400, 370-400 के आसपास रिवर्सल लेंगे, और दूसरा रिवर्सल जो है 24,460-80 के आसपास रिवर्सल होगा, ठीक है। ये सिंपल पुट के ट्रेंड हुए। अब अगर कॉल के ट्रेंड लेने हैं तो या तो इस रेंज में कहीं खुल करके इसको ब्रेकआउट करें या इसके ऊपर खुले, इस चीज को डिनाई नहीं करेंगे। 24,420, चूंकि 3,50 एक रेजिस्टेंस है, तो मिनिमम इस रेंज के ऊपर के क्लोजिंग पर ही हम ट्रेड लेंगे। अगर 24,340 के लेवल को ब्रेकआउट करा तो पहला टारगेट 24,390 आएगा, दूसरा 24,440 आएगा और तीसरा 24,480 से लेकर के 24,530 तक के लेवल्स लेंगे। और कॉल वालों के लिए जो रिवर्सल है, पहला 24,250 से लेकर के 280 का जोन होगा और दूसरा 24,50 से लेकर के 60 का जोन होगा। ये दो रिवर्सल जोन होंगे। अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं ना, ये ट्रेंड भूल जाओ, ये ऊपर और ये नीचे, इसमें ट्रेड मत करना। 24,280 से लेकर के 350 में ट्रेड मत करना, उसके अलावे रिवर्सल को फोकस करना और यहाँ से ट्रेंड मिलेगा। कहाँ ट्रेड करना से इम्पोर्टेंट है, कहाँ ट्रेड नहीं करना। और जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं ना, उनके ट्रेडिंग में 110% विद इन 3 to 5 मंथ के बाद बड़ा सुधार आएगा। मतलब बिल्कुल लॉस करना तो बंद कर ही देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कर, लेकिन वही है भाई, डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी भी क्या दिख रहा है, सेम एज लाइक निफ्टी की तरह, प्रीवियस डे के बॉडी के ऊपर की ही क्लोजिंग है। अब मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, आज बैंक निफ्टी में दोनों ही चीज हुआ, पहले खुला, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, फिर कंटिन्यू।
लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है वो क्या है, ये एक रेजिस्टेंस बना लगभग 200 का, और कल हमने क्या कहा था इसके ऊपर ही हम लोग कॉल के ट्रेड में जाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमारी क्या बात हुई थी, इसके ऊपर ही कॉल में जाएंगे, क्योंकि ये कंसोलिडेट वाला जोन है, ये लेवल टूटे तो पुट का लेंगे जहाँ ये टारगेट होगा, एज इट इज दिख रहा है। अब अगेन याद रखो, ये वाला तो जोन है ही, ये वाला तो जोन है ही। आपको मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये चीज दिमाग में गांठ बांध लो कि 53,000 और 53,200 इस जोन में बस ट्रेड मत करना, बस इतना एहसान करना कि इस जोन में ट्रेड मत करना, बाकी का हम देख लेंगे। अगर नीचे के तरफ ये लेवल टूटा, 53,000 के लेवल्स अगर नीचे के तरफ टूटा तो पुट के बड़े ट्रेंड होंगे। क्यों? क्योंकि पहला एक ट्रेंड लाइन टूटेगा, दूसरा हायर हाई हायर लो का जो सपोर्ट है वो टूटेगा। इसके नीचे जो पहला टारगेट होगा वो छोटा होगा 52,880, दूसरा टारगेट होगा 52,720, और तीसरा टारगेट 52,500, और उसके नीचे के लेवल्स भी दिख सकते हैं। और पुट वालों के लिए जो रिवर्सल है, पहला 53,384, ये पहला रिवर्सल होगा 38400, और दूसरा रिवर्सल है 53,742-800। ये दो रिवर्सल जोन है, सिंपल है। अगर कॉल के ट्रेड को लेना है तो सिंपल ये चीज समझे कि 53,200, 53,020 अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करा तो कॉल का ट्रेड, नहीं तो कॉल इग्नोर। यहाँ से जो पहला टारगेट मिलेगा 53,380, 53,520, और उसके बाद 53,740 से लेकर के 900। लेकिन अगेन कहूँगा 53,200 और 53,000 ये बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें ट्रेड नहीं करना। इसके टूटने पे पुट और बढ़ने पे कॉल, और कॉल वालों के लिए जो रिवर्सल है, पहला रिवर्सल जो है वो 52,880 और 920 का होगा, और दूसरा रिवर्सल 52,520 और 600 का होगा। ये दो रिवर्सल है, रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से जैकपॉट बनता है। रिवर्सल और कहाँ नहीं ट्रेड करना है समझ गए तो आपके लॉस बिल्कुल कुछ दिनों में खत्म होते दिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।